नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार। आज इंटर क्लास में अकाउंट्स बही खाते में जो हमने फर्स्ट वीडियो में साझेदारी खाते सामान्य परिचय में एक तो साझेदारी किसे कहते हैं या साझेदारी का क्या अर्थ है, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी के लक्षण और साझेदारी संलेख एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यदि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले जो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुने। साधारण संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं। नंबर एक, नंबर साधारण संलेख के अभाव में साझेदारों के पारस्परिक संबंध एवं अधिकार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि नंबर वन है व्यवसाय का लाभ। जो भी हमारा व्यापार है व्यवसाय, उसका लाभ तथा हानि सब साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा। यदि कोई साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच में नहीं है तो उस कंडीशन में हमें जो भी व्यवसाय का प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा। नंबर टू पॉइंट है साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार को ब्याज देने की व्यवस्था है तो ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जा सकेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार को ब्याज देने की व्यवस्था है तो ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जा सकेगा। नंबर थ्री, किसी भी साझेदार को कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में इसका अभाव है तो किसी भी साझेदार को वेतन और पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। नंबर फोर, यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त कोई धन फर्म में लगाया है अथवा फर्म को ऋण दिया है तो इस अतिरिक्त धन अथवा ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। नंबर फाइव, प्रत्येक साझेदार को व्यापार की संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा। तो नंबर फाइव क्या है, व्यापार का जो भी संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। नंबर सिक्स पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने एवं उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। ये सब पुस्तकें फर्म के प्रधान कार्यालय में रखी जाएगी। नंबर सेवन पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि फर्म के कार्यों को परिश्रम, रुचि, एवं बुद्धिमान के साथ करे। प्रत्येक साझेदार का क्या कर्तव्य है, फर्म का जो भी कार्य है उसे परिश्रम, मेहनत के साथ, लगन के साथ एवं बुद्धिमान के साथ करना चाहिए। नंबर आठ, साझेदारों कि आपसी मतभेद, यदि साझेदारों में कोई आपसी मतभेद है अथवा व्यवसाय संबंधी साधारण बातों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा लेकिन व्यापार के स्वरूप किसी भी प्रकार का परिवर्तन सर्वसम्मति से ही किया जा सकेगा। नंबर नाइन, कोई भी नया साझेदार वर्तमान साझेदारों की सर्वसम्मति से ही फर्म में प्रवेश पा सकेगा। नंबर टेन, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि कोई भी साझेदार है वो फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो उसे अन्य साझेदारों की भी अनुमति से ही वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो वह अन्य साझेदारों केवल लिखित सूचना देकर ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि साझेदारी कैसी है, ऐच्छिक, तो वो साझेदारों केवल लिखित सूचना देकर भी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। नंबर 11, यदि किसी साझेदार ने फर्म के साधारण व्यापार में अथवा फर्म को किसी संकट से बचाने के लिए कुछ भुगतान किया हो या कोई दायित्व स्वीकार किया हो तो फर्म उसका भुगतान करने तथा उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा। इसके बाद नंबर 12 है, यदि किसी साझेदार ने जानबूझकर फर्म को क्षति पहुँची थी, कोई भी साझेदार है उसने उसकी नॉलेज में थी उसने उस फर्म को एक तरह से क्षति पहुँचा दी
अथवा उसकी लापरवाही के कारण फर्म को क्षति उठानी पड़ी तो वह साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी साझेदार ने जानबूझकर फर्म को कोई क्षति पहुंचाई है या उसकी लापरवाही से फर्म को हानि उठानी पड़ी तो उसका उत्तरदायित्व उसे स्वयं साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, वही साझेदार उत्तरदायी होगा। नंबर 13, फर्म की प्रत्येक संपत्ति फर्म की ही संपत्ति समझी जाएगी। फर्म की प्रत्येक जो भी संपत्ति है वो फर्म की ही संपत्ति समझी जाएगी और वह फर्म के कार्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। जो भी फर्म की संपत्ति है वो फर्म की संपत्ति समझी जाएगी और जो भी फर्म के जो कार्य है उनमें उसका प्रयोग किया जा सकेगा। नंबर 14 है, यदि किसी साझेदार ने फर्म की संपत्ति, व्यापारिक संबंध अथवा फर्म का नाम प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया है तो उसे उसका पूर्ण विवरण तथा कुल लाभ फर्म को देना होगा। नंबर 15, यदि कोई साझेदार फर्म के समान अथवा उससे प्रतियोगिता करने वाला कोई व्यापार करता है तो उसे उस व्यापार से उपार्जित संपूर्ण लाभ तथा उसका हिसाब फर्म को देना होगा। यदि कोई साझेदार है फर्म के समान अथवा प्रतियोगिता करने वाली कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार से उपार्जित संपूर्ण लाभ तथा उसका हिसाब फर्म को देना होगा। नंबर 16 है, यदि फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन होता है तो साझेदारों के अधिकार तथा कर्तव्य साधारणतः वही रहेगी जो परिवर्तन से पहले या पूर्व थे। नंबर 17 है, यदि फर्म एक निश्चित अवधि अथवा किसी विशेष उपक्रम के लिए स्थापित की गई है लेकिन वह उस अवधि अथवा उपक्रम समाप्त होने पर भी कार्य करने का निश्चय करती है तो साझेदार के अधिकार तथा कर्तव्य में कोई अंतर नहीं होगा। यह है, अब इसके आगे बच्चों, योग्य साझेदारी संलेख के अभाव में अगर साझेदारों की पूंजी व आहरण पर ब्याज, साझेदारों को जो उन्होंने फर्म में जो पूंजी लगाई है या उन्होंने फर्म से कुछ लोन लिया है या आहरण किया है उस पर ब्याज किस कंडीशन में और कितना कितना लगाया जाता है, अब उसके में देखते हैं बच्चों। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निम्न कारणों से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना उचित एवं न्यायसंगत है। नंबर 1, यदि साझेदारों की पूंजी में असमानता है लेकिन वे समान अनुपात में लाभ वितरण करते हैं, पूंजी तो उन्होंने असमान लगाई है, अलग पूंजी लगाई है और वो जो लाभ है वो समान अनुपात में लाभ वितरण करते हैं, तो इस दशा में यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता तो अधिक पूंजी लगाने वाले साझेदार के प्रति अन्याय होगा, लेकिन ब्याज की व्यवस्था होने पर उसे अधिक पूंजी लगाने का प्रतिफल ब्याज के रूप में मिल जाएगा। जैसे कि एक साझेदार ने तो लगाए 20,000 रुपये और एक ने लगाए 10,000 रुपये तो दोनों की पूंजी असमान है और वो जो प्रॉफिट हुआ वो समान अनुपात में वितरण करते, तो इस दशा में जिस साझेदार ने अधिक पूंजी लगाई है उसको एक तरह से लॉस होगा। यदि उसे पूंजी पर ब्याज मिल जाए तो उस जो ब्याज है प्रतिफल ब्याज के रूप में उसको मिल सकता है। नंबर 2, यदि साझेदार की पूंजी है ना हो गया, इसके बाद है नंबर टू, यदि साझेदारों की पूंजी समान है, यदि साझेदारों ने जो पूंजी थी वो समान लगाई है लेकिन उनको लाभ विभाजन का अनुपात असमान है, पूंजी तो सभी साझेदारों ने समान लगाई और जो उनका लाभ या हानि का जो अनुपात है वो असमान है, तो इस दशा में यदि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता तो लाभ में कम हिस्सा पाने वाले साझेदार को हानि होगी। जैसे कि उसमें जिसने अधिक पूंजी लगाई उसको नुकसान था, यहाँ किसे जिसने पूंजी कम लगाई कम हिस्सा पाने वाले साझेदार को हानि होगी, अतः पूंजी पर ब्याज लगाकर उस सीमा तक उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। नंबर 3, यदि साझेदार की पूंजी तथा लाभ हानि का अनुपात समान है
पूंजी तथा लाभ हानि का अनुपात समान है अथवा साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं तब भी पूंजी पर ब्याज लगाया जाना चाहिए। कारण यह है कि यदि साझेदार व्यापार में अपना धन ले लगाकर उसे अन्य कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे तब भी उन्हें ब्याज मिलेगा। अतः साझे के व्यापार में लगी हुई उनकी पूंजी पर भी उन्हें ब्याज मिलना चाहिए। इसकी अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज लगाने के पश्चात ही ज्ञात किया जा सकता है कि फर्म का शुद्ध लाभ क्या है तथा साझेदार को उसके साझेदार जोखिम में कितना प्रतिफल मिल रहा है। फिर इसके बाद है ये तो गए पूंजी पर ब्याज के बारे में। ठीक है, पूंजी पर जो साझेदार की पूंजी ऐसा मान और लाभ का जो अनुपात वो समान है तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए। यदि पूंजी समान है और लाभ विभाजन का अनुपात असमान है तो उस कंडीशन के बारे में, और यदि पूंजी और लाभ हानि का अनुपात भी समान तो उस कंडीशन में इन नियमों का पालन किया जाता है। इसके बाद आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी पैसा किसी साझेदार ने फर्म से आहरण किया, वो फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला, उस पर साझेदार को कितना ब्याज देना होगा, क्या कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। जिस कारण से साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है उसी कारण उनके द्वारा फर्म से निकाली हुई राशि पर ब्याज लगाना आवश्यक है। आहरण पर ब्याज आहरण की तिथि से व्यापारिक वर्ष की अंतिम तिथि तक लगाया जाता है। जिस डेट को आहरण किया और व्यापारिक वर्ष की जो अंतिम तिथि तक का लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दरें साझेदारी संलेख में निश्चित कर दी जाती है। जो पूंजी है और आहरण पर जो ब्याज की जो दरें है वो साझेदारी संलेख में निश्चित कर दी जाती है। यदि साझेदार विभिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न रकमें व्यापार से निकालते हैं तो उनके आहरण पर प्राय औसत भुगतान तिथि अथवा गुणनफल की विधि से ब्याज निकाला जाता है। उसका वर्णन पूर्ण अध्याय में किया जा चुका है। लेकिन यदि साझेदार प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को समान रकमों का आहरण करते हैं तो उनके आहरण पर ब्याज निकालने की निम्न सरल विधि है। नंबर एक कंडीशन, यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाता है। यदि किसी साझेदार ने अपने निजी प्रयोग के लिए कोई धनराशि अंतिम महीने की अंतिम तिथि को किया है तो आहरण पर ब्याज आहरण की कुल राशि पर 5.5 महीने के ब्याज के बराबर होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि किया जाता है तो ब्याज 5.5 माह के बराबर होगा। नंबर टू, यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाता है, यदि आहरण प्रथम तिथि को किया जाता है तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6.5 महीने के बराबर होगा। कि प्रथम तिथि को है तो 6.5 महीने का, अंतिम तिथि को है तो 5.5 महीने का। और यह नंबर थ्री पॉइंट है, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य किए जाते हैं, यदि प्रत्येक माह के मध्य बीच में किया जाता है तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6 महीने के ब्याज के बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये पॉइंट अच्छी तरह से याद होना कंपलसरी है और एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तो 5.5 महीने का ब्याज, प्रथम तिथि को आहरण किया तो 6.5 महीने का ब्याज, और यदि प्रत्येक माह के मध्य किया आहरण तो 6 महीने के ब्याज के बराबर होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फर्म में साझेदार है, एक फर्म में साझेदार, वह प्रत्येक माह के अंत में 300 रुपये फर्म से आहरण करता है। वो प्रति माह के अंत में फर्म से 300 रुपये अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है। फर्म में उसकी कुल पूंजी कितनी है, 10,000 है। आहरण कितना किया, 300 रुपये प्रति माह, उसकी पूंजी कितनी है, 10,000। उसने 1 जुलाई को पूंजी 10,000, फिर 1 जुलाई को 2,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी और लगा दी 1 जुलाई को, तो ये वाली पूंजी लगी उसके पूरे साल और ये वाली पूंजी 2,000 ये लगी उसके 6 महीने के लिए। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दर 5%। फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती है, तो फर्म पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। अब पूंजी पर ब्याज, जो उसकी पूंजी 10,000 है ये लगी उसके पूरे साल,
तो इस पर जो ब्याज है वो कितना 5% है, तो 10,000 गुना 5/100 दो जीरो कट जाएगी, तो 100 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना 500 आ जाएगा। फिर उसने 1 जुलाई को 2,000 रुपये और पूंजी लगाई, तो 2,000 दर कितनी है 5%, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीनों की 6 महीने, बटे में 100 गुना 12, तो इसे क्या करने पर 50, तो 500 + 50 बराबर कितना है 550। तो जो उसकी पूंजी है उस पर उसे टोटल कितना ब्याज देना मिला, उसे 550 ब्याज बैठता है, 10,000 पर पूरे साल का और 2,000 पर 6 महीने का, जो ब्याज कुल मिलाकर 550। जैसे 10,000 पर एक वर्ष का था, तो 2,000 पर 6 माह का ब्याज निकाला गया। अब इसी तरह से हम इसमें जो ब्याज आहरण जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उस पर ब्याज किस प्रकार निकालते हैं। उसने प्रत्येक माह के अंत में 300 रुपये फर्म से आहरण किया, प्रत्येक माह के अंत में, और एक साल में थे 12 महीने, तो 12 + 36, तो वार्षिक आहरण कितना होगा इसका 3600। अब 3600 पर दर कितनी है 5% है। अब यहाँ देखना है उसे कितने महीने का ब्याज आहरण कब कर रहा है वो, वह प्रत्येक माह के अंत में। अभी जो ऊपर डिस्कस किया था प्रत्येक माह के अंत में, पहला वाला जो पॉइंट है अंतिम तिथि को है तो 5.5 महीने का, तो यहाँ देखो 3600 का 5% से 5.5 महीने का जो ब्याज है 3600 × 5, और जो 5.5 है इसको 11/2 कर दिया, 11/2, 11 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा 5 × 5 × 12 × 100, इसे कैलकुलेशन करने पर 82.50 रुपये ड्रॉइंग पर ब्याज होगा। इसी तरह से हम एक सेकेंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पवन कुमार कुमार एंड कंपनी में साझेदार है, पवन कुमार कुमार एंड कंपनी में साझेदार है, उसने प्रत्येक माह 200 रुपये फर्म से अपने निजी व्यय के लिए निकाले, फर्म की पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है, आहरण पर 5% की दर से ब्याज की गणना कीजिए। यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है और यदि वह मध्य में आहरण करता है, तो एक तो हो गया प्रत्येक माह के स्टार्टिंग में और एक हो गया माह के मध्य में। अब 200 रुपये रहेंगे उसकी प्रत्येक माह में, तो एक साल में 12 महीने, तो वार्षिक आहरण हो जाएगा उसको 1,200 रुपये। जब उसका टोटल पूरी साल का जो आहरण कितना है 2,400 रुपये है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करने पर 2,400 का 6.5 माह का ब्याज निकलेगा, और दर कितनी आहरण की ब्याज की 5%, 2,400 × 6.5 × 5/100 × 12, तो इसे कैलकुलेशन करने पर कितना जाएगा ये 65 रुपये। अब इसी तरह से प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करने पर 2,400 का 6 माह का ब्याज 2,400 × 5, या तो इसे हम 2,400 × 6 × 5/100 × 12 भी कर सकते हैं, उन्होंने क्या काम कर रखा है 6 को 12/2 कर दिए, 12/2, और ये 5/12 × 100 करके कितना जाएगा ये 7। तो इस तरह से हम इस पर जो हरण पर जो ब्याज वो निकाल सकते हैं। अब है ख्याति गुडविल, गुडविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम परीक्षा में कंपल्सरी पूछा जाता है, ख्याति क्या है, ख्याति किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति का अर्थ साधारण भाषा में ख्याति किसी व्यापारिक संस्था की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को कहते हैं, जो गुडविल है वो व्यापारिक संस्था की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को कहते हैं। नया व्यापार स्थापित करने पर व्यापारी के लिए कम से कम लाभ की एक ऐसी सीमा अवश्य होती है जो इस व्यापार से उसे मिलनी चाहिए, अर्थात उसे इतना लाभ अवश्य होना चाहिए जिससे व्यापार का संचालन तथा प्रबंध व्यय पूंजी पर ब्याज एवं जोखिम उठाने का प्रतिफल प्राप्त हो सके, ऐसी फर्म को औसत अथवा सीमांत फर्म कहते हैं, इसके लाभ को सीमांत लाभ कहते हैं। सीमांत लाभ प्राप्त करने में ख्याति का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन बहुत सी फर्मों का वास्तविक लाभ सीमांत लाभ से अधिक होता है, इससे अधिलाभ या अतिरिक्त लाभ कहते हैं। किसी फर्म की यह अधिलाभ प्राप्त करने की क्षमता ही ख्याति है, जैसे जैसे किसी फर्म की ख्याति बढ़ती है तो उसके अधिलाभ की मात्रा भी बढ़ती जाती है।
किसी व्यापारिक संस्था के लाभ की मात्रा उसकी बिक्री पर निर्भर करती है। जो भी लाभ की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? सेल्स पर, बिक्री पर निर्भर करती है। बिक्री जितनी अधिक होगी लाभ भी उतना ही अधिक होगा। बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारी का व्यवहार, ईमानदारी, उत्तम माल, सेवाएं, उचित मूल्य आदि की आवश्यक बातें हैं। इसके आधार पर व्यापारी पुराने ग्राहकों को बनाए रखने एवं नए ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। जैसे व्यापारी का बाजार में यश सत्य होता है, इसी यश का नाम ख्याति है। उपरोक्त विवरण के आधार पर ख्याति की निम्न परिभाषाएँ दी जा सकती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। ख्याति व्यापार का वह लाभ है, जो ख्याति की डेफिनेशन है, जो परिभाषा को क्या है, ख्याति व्यापार का वह लाभ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाभ है जो व्यापार की नेक नामी, प्रसिद्धि और अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। यह वह आकर्षण है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने स्थापित व्यापार को एक नए व्यापार से अलग करती है। ख्याति का मूल्य व्यापार की लाभ उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। लाभ के घटने और बढ़ने के साथ साथ ख्याति का मूल्य भी घटता बढ़ता है। ख्याति व्यापार के लिए एक संपत्ति है। जो ख्याति, जो गुडविल है, वो बिजनेस व्यापार के लिए क्या ऐसी संपत्ति है, क्योंकि अन्य संपत्ति की भांति यह भी लाभ कमाने में सहायक होती है। लेकिन यह एक अदृश्य तथा अस्पर्श संपत्ति, अदृश्य जो दिखाई न देती हो, अस्पर्श संपत्ति है। इसी कारण इसे अमूर्त संपत्ति माना जाता है। ख्याति को व्यापार से पृथक अपना कोई मूल्य नहीं होता, अतः इसका क्रय विक्रय व्यापार के क्रय विक्रय के साथ ही किया जा सकता है। आज की वीडियो में यही तक ही है, और आगे का जो भी कहा गया इसमें हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। और थैंक यू।